हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक मैंने समझा दिया था। आज हम लोग का ये फॉर्मूला है a cos x plus b sin x upon c sin x upon plus d sin x, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे और इसमें दो कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, एक m और n, इसी वैल्यू निकाल के हमको पुट अप करना है। तो m d by dx न्यूमरेटर प्लस n into डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है। अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin x, और sin x का कितना हो जाएगा cos x, यहां cos x का है ना, और sin x का डिफरेंशिएशन होना नहीं है, बस n को हम c से और n को d से मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। अब इसमें भी हम क्या किए हैं, जो डिफरेंशिएशन हमने किया था माइनस c sin x को m से, माइनस mc sin x, और m को d से मल्टीप्लिकेशन करें तो md cos x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए, इसमें हमने cos x को जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये वैल्यू, ये अंडरलाइन हमने किया है, ये cos x का है, तो cos x को कॉमन लेके हम ले लिए md, हाँ, प्लस nc, md प्लस nc, ओके, मतलब m की वैल्यू इसमें हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो md प्लस nc, और sin x को वैल्यू हम कॉमन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये nd माइनस mc, ये sin x का हो गया, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे cos x और sin x की वैल्यू को, कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin x का, sin x का देखते हैं। देखिए sin x का कितना है, यहां पर माइनस mc, sin x का कोफिशिएंट, ये गोला लगाया मैंने और ये गोला लगाया मैंने, ठीक है। तो sin x का कंपैरिजन कितना हो जाएगा, माइनस mc और प्लस nd, ओके, और इक्वल टू b, ये हो गया किसका, sin x का कोफिशिएंट। अब cos x का कोफिशिएंट हम देखते हैं, तो यहां पर कितना होता है, nc प्लस md इक्वल टू कितना है cos x का, a, ये हो गया cos x का कोफिशिएंट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब सॉल्व करेंगे, ये माइनस b इक्वल टू जीरो और ये माइनस a इक्वल टू जीरो, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो हम लोग पिछली कक्षा में, लास्ट क्लास में हम देखे थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था x की वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1, और y की वैल्यू थी c1 a2 माइनस c2 a1, और एक की वैल्यू, वन की वैल्यू हमने निकाला था a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड के अलावा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी था, बट हमारे लिए क्या है, ये थोड़ा सा इजीयर पड़ेगा। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये हो जाएगा b1 c1 नहीं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हमारा सबसे पहले हम निकाल लेंगे m की वैल्यू, ओके, तो n की वैल्यू b1 c2 माइनस ad b1 c2, हाँ, b1 b1 c2माइनस b2, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा dd, b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। अब n की वैल्यू c1 a2, c1 a2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ac और माइनस ए टू सी वन, तो ये जाएगा माइनस प्लस, फिर से प्लस बी सी, ऐसा, ठीक है। अब देखिए बी वन सी टू, बी वन सॉरी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, है ना, सी वन ए टू, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया, ओके। अब ए वन बी टू, है ना, a1 b2 माइनस b2, तो हम इसको एक काम करते हैं, m की वैल्यू को एक साथ थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं,
ओके एन एन को हमने एक साथ देते हैं, ये फार्मूला तो ठीक है। एक काम इसको हम करते हैं, ऐसा करने से थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगी, तो सबसे पहले हम एक काम, थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, ये किसका कॉफिशियंट है ना, हमने किया है साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का जो हम वो करेंगे, तो हम इसको करते हैं ऐसा कि एमडी ले लेते हैं, एमडी प्लस एन सी माइनस ए, ऐसा करने से क्या होगा, एम एम एक साथ होगा, डी सी एक साथ होगा। अब इसको हम बनाते हैं, ओके, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो ही जाता है, तो हमारा बी वन सी टू है ना, बी वन सी टू माइनस ए डी माइनस बी टू सी वन, तो प्लस डी सी एन सी वन ए टू माइनस बी डी सी वन ए टू माइनस सी टू और ए वन, तो कितना जाएगा माइनस ए सी। अब हम वन ए वन बी टू, तो सी और माइनस सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, ऐसा कुछ समझ में आया आपको, एक बार ध्यान से देख लीजिए, छोटे क्लास में जो पढ़े थे आप लोग वही सॉल्यूशन है, ओके। तो हमने इसको निकाल लिया, आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, ओके। अब हम कैसे निकालेंगे आर एम की वैल्यू, तो एम इज इक्वल टू, ये चले जाएगा ऊपर, माइनस ए डी प्लस बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसको और वन की वैल्यू, जो से माइनस बी डी माइनस ए सी अपॉन माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो हमने क्लास टेंथ पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसको हमको सॉल्व करने की जो तीन विधि थी, पहला था एलिमिनेशन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी मेथड से हमने एम और एन की वैल्यू को निकालने का पूरा प्रयास किया है, ओके। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी हम उसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैंने इसको पहले से बना लिया था, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाले थे, तो ये हमने ए और बी की वैल्यू निकाली, चाहो तो आप इसको माइनस निकाल के इसको पॉजिटिव कर सकते हो, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू, तो ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी प्लस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है आपको निकाले एन की वैल्यू। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा, इसकी वैल्यू को पुट करना, देखिए जो a cos x है ना, a cos x plus b sin x, these are equal to m और differentiate of numerator plus n into denominator, ये हमने किया, फिर इसका differentiation किया, किसका किया differentiation, denominator का, और इसको हम वैसे रखे, फिर m n को multiplication किए, फिर हम क्या किए, coefficient साइन एक्स और कॉस एक्स का कंपैरिजन किए, कंपैरिजन करने के बाद हमको ये आर एम और ये एन की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें इनकी वैल्यू मिलने के बाद हमें इसको हमको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में पुट करना है, चलिए करते हैं, ये मैं कर रहा हूँ, एम और डी अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, सी कॉस एक्स प्लस d sin x, ओके, प्लस n है ना, c cos, c है c of c cos x प्लस d sin x अपॉन और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, c cos x प्लस d sin x, अरे बोल
कोई डाउट देखते रहिए। ओके एनी डाउट? ओके चलिए अब यहां की वैल्यू का पुट करना है एडी माइनस बीसी और डी अपॉन डीएक्स सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स ओके अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस ये डीएक्स प्लस एन एन की वैल्यू हम एन की वैल्यू हमने रख दिया डी माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एन की वैल्यू पुट कर दीजिए बी डी प्लस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स और सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए हमने उसका डिफ्रेंशिएशन कर चुका था है ना तो सी कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा है ना। अब हमको क्या करना है टी लेना है किसको लेंगे सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स को टी ले लेंगे ये जो डिनोमिनेटर है सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स इक्वल टू टी। अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या डिफरेंस करेंगे डी बाई डी एक्स तो डी टी बाई डी एक्स रख देंगे उसके जगह हम पुट कर देंगे डी टी क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ओके क्लियर क्लियर। कहने का मतलब है हम यहां पर रख देंगे डी टी क्लियर है। आज आप लेट में आए हो कैसे कैसे लेट में आए क्लास लेट आते हैं तो अब हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको हमने टी लिखा था अब आप लोग थोड़ा इसको हम डिवीजन यहां रखते हैं चलिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ए डी माइनस डी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी टी अपॉन टी प्लस ये क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए डी बी डी प्लस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वन इंटू डी एक्स ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग टी इसका टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा मतलब एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में एक्स बी डी प्लस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
और यहाँ लॉग टी की वैल्यू हमने जो पुट किया था उसको रख देते हैं, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस एक्स डी डी प्लस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा क्या आया आंसर। ओके सबसे पहले हम फिर से रिविजन कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, तो इसका हमको क्या करना है, फार्मूला के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लेंगे इक्वल करेंगे, एन एक कॉन्स्टेंट लेंगे और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस एन लेंगे और फिर डिनोमिनेटर को ले लेंगे, ठीक है, हमारा मेन मकसद है एम और एन की कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। इसका डिफ्रेंशिएट किए इसको हम वैसे रहे, इसका डिफरेंशिएट नहीं किया सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट करना है, सेकंड बॉन्ड को डिफरेंशिएट नहीं किया है, अब एम और एन को दोनों में ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें से कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे तो एम डी प्लस एन, इससे साइन एक्स कॉमन निकालेंगे एम डी माइनस बी सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, तो हमको आया माइनस एन सी प्लस एन डी, ये साइन एक्स का कोफिशिएंट, ये कॉस एक्स का कोफिशिएंट आया। अब इसको हमने जो 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था a1x + b1y = c1 + c1 और a2x + b2y + c2, इसका क्या फार्मूला था, x के रेशियो में क्या था b1 c2 - b2 sin और y के रेशियो में c1 a2 - c2 n और 1 की वैल्यू क्या थी a1 b2 - a2 b1। तो जो x की वैल्यू निकल के आई थी b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, y की वैल्यू क्या थी c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। तो x y की जो वैल्यू निकली थी हमको क्लास 10th में रिले इक्वेशन ऑफ टू वैल्यूज, यहां भी हम क्या करेंगे अब और n की वैल्यू को हम उसी तरह हमने फाइंड किया है, तो n की वैल्यू आई हमको क्या, n की वैल्यू ad - bc अपॉन c स्क्वायर + d स्क्वायर और n की वैल्यू आई bd + ac अपॉन c स्क्वायर + d स्क्वायर। अब हमारा जो क्या था ये जो न्यूमरेटर था ये हमको इस फॉर्म में लिखे थे m d by dx डिफरेंशिएट डेनोमिनेटर प्लस n into डेनोमिनेटर, तो इस पूरी वैल्यू को हमको यहां पर पुट कर दी है इसमें, ये मैंने पुट कर दिया है। अब पुट करने के बाद हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे इसके अपॉन इसका और इसका अपॉन इसका, ठीक। तो n की वैल्यू और n की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया है। अब हमको क्या करना है इसका डिनोमिनेटर पर टी लेना है, सी कॉस एक्स और डी साइन एक्स का टी, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और डी एक्स फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो ये हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया है ना, ये हमारा डिनोमिनेटर इसको हम क्या है टी सपोज किए थे सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो 1 / टी लॉग टी, टी की वैल्यू वापस हम पुट कर दिए, इसका दोनों कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था, तो वन का यार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा निकल कर सामने आया। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ओके मिटाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मिटाते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। वीडियो लंबी ना खींचे इसलिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, आजकल पता नहीं क्यों हर वीडियो 5-5 GB 6-6 GB का बनता है तो अपलोडिंग में थोड़ा समय लगता है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, जितना भी स्पीड दे दे नेटवर्क की प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। तो हम जो क्वेश्चंस उठाते हैं आज, जैसे आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हम लिए क्वेश्चन 1/1 + 10x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओके तो सब बहुत गंदा दिख रहा होगा इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ओके तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग 10x को कन्वर्ट करेंगे sin / cos x, तो dx upon 1 + sin x upon cos x,
cos x ऊपर चल जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या निकलेगा कि cos x और sin x plus cos x dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर cos x m और d अपॉन dx और न्यूमरेटर, ओके। अब हम लिखेंगे प्लस n और फिर लिखेंगे डेनोमीटर, ओके। ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट, सॉल्यूशंस चालू, क्लियर हुआ आप लोगों का। न्यूमरेटर इक्वल टू m d by dx डेनोमीटर प्लस n और ब्रैकेट में डेनोमीटर। अब इसको हमको ऐसे लिखना है cos x इक्वल टू m, डिफरेंशिएट करते जाइए, sin x का हो गया cos x का माइनस sin x प्लस, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे n sin x प्लस n cos x, ठीक। अब m की वैल्यू को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, m cos x माइनस m sin x प्लस n sin x प्लस n cos x इक्वल टू, ये cos x तो है ये। अब आप इसमें हम क्या करते हैं, ये n cos x और m cos x को एक साथ लेते हैं, तो ये हो जाता है m plus n coefficient of cos x प्लस, इसको ले लेते हैं माइनस m प्लस n into sin x, ये coefficient। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, चलिए कंपेरिजन कीजिए। तो ये कॉस एक्स, यहां पर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं तो वन, तो एन प्लस एन ठीक माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यह साइन एक्स नहीं है तो इसको हम ले लेंगे माइनस एम प्लस एन है ना, माइनस जीरो ऐसा है ही नहीं। अब इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से तोड़िए, ओके तोड़ते हैं, एडिंग करोगे आप तो हो जाएगा टू एन है ना, टू एन इन लोगों को माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाय 2। जब n 1 बाय 2 निकल गया तो पुट कर दीजिए m प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या होगी ऑलरेडी 1 बाय 2, माने हमको m और n की वैल्यू कितनी मिल गई, हाफ। m और n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, हाफ। अब इसको हमको क्या करना है, पुट करना है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, इससे पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनका वीडियो तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी थोड़ा सा मदद हो सके, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। यदि मेरी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अच्छी लग रही है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अब हमको क्या है, देखिए cos x की वैल्यू क्या है, ये पूरा अब हम इसको पुट करते हैं न्यूमरेटर में, करते हैं, ये मैंने पुट किया m d अपॉन dx sin x प्लस cos x प्लस कितना है n sin x प्लस cos x, ओके ये हो गया कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, यहाँ हम लिखेंगे डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और एम की वैल्यू को पुट कर देंगे, एम की वैल्यू कितनी, हाफ, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस एन की वैल्यू भी कितनी थी, हाफ थी, ये हो जाएगा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये कैंसल हो गया। तो अब सर क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर को हम इसको टी लेते हैं। अब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है डी एक्स सर नहीं कर तू डी टी बाय डी एक्स ओके। अब हम क्या करेंगे, इस टी को यहां पर ट्रांसफर करते हैं डी एक्स को, तो डी अपॉन डी एक्स ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, पुट कर दीजिए। ये हम टी पुट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां बना देता हूं मैं वन बाय टू डी टी अपॉन टी और ये हो जाएगा वन बाय टू वन इंटू डी एक्स, वन बाय टू लॉग टी प्लस वन बाय टू एक्स, वन बाय टू लॉग टी की वैल्यू क्या पुट किया था हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स बाय टू, ये हमारा क्या आ गया है, ये आंसर ओके। तो आज मैं आप लोगों को इसका फिर से रिवीजन कर देता हूं ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी का क्या है, ये क्वेश्चन है उसी बेस पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, वन बाय वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो इसको टेन एक्स में मैंने कॉस एक्स और साइन एक्स में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसको हम इस फॉर्मूला में वही फॉर्मूला लगाया है cos x equal to n d by dx numerator plus n into numerator। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको m और n को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। अब हम cos x का cos x का कोएफिशिएंट कितना निकालते हैं, m plus n और sin x का minus m plus n और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था cos x। अब हम क्या करेंगे, देखिए cos x plus sin x के कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो इंटू साइन एक्स प्लस, तो यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है जीरो, कॉस एक्स का कोफिशिएंट वन है। तो देखिए यहाँ पर कंपेरिजन करके मैंने इस पर वन को ट्रांसफर किया है, मैंने एम प्लस एन इक्वल टू वन, तो एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो और साइन एक्स का कोफिशिएंट जीरो है माइनस एन प्लस एन इंटू जीरो। अब इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर दिया है, एम एन कैंसिल हो गया, ये टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितने हुए हाफ आ गई, तो एन की वैल्यू हाफ आ गई। अब ये जो है पूरा हमने न्यूमरेटर के इक्वल लिया था ये, तो पूरा पोर्शन को हम यहाँ पुट कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे और एम एन की वैल्यू क्या है हाफ पुट कर देंगे, तो सेकंड पोर्शन हमारा पूरा टोटल कैंसिल हो जाता है, क्या होता है वन इंटू डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन एक्स होता है। फर्स्ट पोर्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रखते हैं और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dt की वैल्यू हमको ये सब्स्टिट्यूट होकर मिलती है, तो पुट करते हैं dt / t log t t की वैल्यू वापस पुट करके हमारा आंसर हो जाता है तैयार। तो ये था क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे हर क्वेश्चंस को बताने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन यदि आप लोगों के पास हो तो आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं, उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा ओके। तो इसमें अगर आप लोग सी लिखना चाहें तो कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो थी 30 मिनट के पहले की थी, तो इसको मैंने फार्मूला को पहले बनाकर रख दिया था, उसको मैंने सॉल्व किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, हो सकता है अगली क्लास हम फिजिक्स का लें ठीक है, फिजिक्स की वीडियो को अपलोड करें। तो फिजिक्स की वीडियो में हम देखेंगे पावर जो निकाले थे एल का सी का आर का ये सब रेजिस्टेंस जैसे कंडक्टर और कैपेसिटेंस का उसको निकालेंगे या चोक कॉइल को। तो अगली वीडियो में फिजिक्स की बड़ी शानदार होने वाली है, तो आप लोग अगली वीडियो को देखना ना भूलें और पिछली वीडियो भी अच्छे से रिपीट करके देखें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको सपोर्ट मिल सके ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।